आयोग ने समन किया है आदरणीय पवार साहब को, तो वो जाकर के अपनी जो बात है वो कहेंगे। और पिछली सरकार के दौरान जो हमने देखा कि एल्गार परिषद का केस और भीमा कोरेगांव का केस, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन सरकार ने दिशा भूल करने का एक प्रयास किया था। और जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही थी, अनेक लोगों ने आक्षेप किया है, अनेक लोगों ने प्रश्न उठाए कि आपने मिलिंद एकबोटे के खिलाफ और शंबाजी भिड़े के खिलाफ जिस तरह से केस चलना चाहिए था वो आपने नहीं चलाया। कहीं ना कहीं राजनीतिक हेतु पिछली सरकार का, भाजपा की सरकार का सामने आ रहा था, उसी के ऊपर आदरणीय शरद पवार साहब ने भी अपना भाष्य किया था। मेरे ख्याल से अगर उनको आयोग ने बुलाया है तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, और आदरणीय पवार साहब जाकर के अपनी बात का स्पष्टीकरण देंगे। और मैं समझता हूँ कि आयोग भी इस चीज़ में और स्पष्टता से इसकी पूरी जांच करेगी कि क्या रोल था एल्गार परिषद में लोगों का और क्या रोल था भीमा कोरेगांव में। और जो अनेक जो दलित लोग भीमा कोरेगांव के केस के उसमें फंसे हुए हैं, कई लोगों पर राइट्स के भी केस लगे हुए हैं, उनको किस तरह से बरी किया जाएगा ये भी देखना पड़ेगा।